चलिए आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रूल और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जानेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, चाहे कोई भी बने, ए बी सी, इधर ले लेते पी क्यू आर, इसका ये 90 डिग्री, दोनों 90, बी है 90 और क्यू भी 90 है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, और इसको 90 डिग्री के सामने ये भी कर्ण है, तो इसको भी हम लोग कर्ण से लिखेंगे। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, इसको बेस कह दीजिएगा। ये देखिए, मान लिया जाए कि थीटा, अगर आप इसको मान रहे, थीटा इसको मान रहे, तो थीटा के जस्ट सामने वाले को हम लोग पी बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको हिंदी में क्या है, तो लंब का नाम देते हैं। और ये वाला है आपका आधार या बेस कह देते हैं इसको। सेम, अगर थीटा ये बन जाता है, तो थीटा के जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, आधार कह देंगे या बेस कह देंगे। ठीक है, बी से डिनोट किया जाता है, इसको पी से डिनोट किया जाता है, और इसको एच से डिनोट किया जाता है। ये एच बदलता है, पर पी और बी बदल जाता है अपने थीटा के अनुसार से, ये चेंज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों के साथ साथ हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस, कुछ फॉर्मूला है, पाइथागोरस फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस का मुख्य फॉर्मूला है। इसके बाद हम आगे आते हैं। तो एच बराबर, अगर स्क्वायर को, ए का स्क्वायर को बराबर के इस पार लेके जाना है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा रूट बी, क्या हो जाएगा, रूट बी। एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मान आना है। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट इसका जो बनेगा उसको कहते हैं हम लोग, अगर आपको इसमें से कहा जाए कि पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर में माइनस कर दीजिएगा किसको, बी स्क्वायर को, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये सब किसमें रहेगा, रूट में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे देखते हैं, बी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यह है आपका त्रिकोणमिति के अंदर यूज होने वाले सारे का सारा जो पाइथागोरस फॉर्मूला है उसको देखते हैं हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा इसी त्रिकोणमिति फॉर्मूला के अंदर में हम लोग दूसरा फॉर्मूला को देखेंगे, जो साइन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा से रिलेट करता है। देखिएगा, हम लोगों ने क्या बनाया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, इसमें इसको एच माने थे, इसको अगर थीटा बना देते हैं तो ये वाला हो जाता है पी और ये वाला हो जाता है बी, ये ए बी सी, ये है। आगे देखते हैं क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, टेन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाय एच होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा पी, सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी, और कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी, ये इसका मान है। एक चीज यहाँ देखना जरूर समझ में आएगा, देखिएगा, कहता है साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा, और टेन थीटा जो है ये सब एक दूसरे का बराबर में, बस अपोजिट है, सॉरी बराबर नहीं है, साइन थीटा जो है ना वो कॉसेक थीटा के बराबर अपोजिट है, और कॉस थीटा सेक थीटा के अपोजिट है, टेन थीटा कॉट थीटा के अपोजिट काम करता है। ठीक है,
ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसका नेक्स्ट फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। जैसे कि आपका आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, ये एक फॉर्मूला है। अगर यहाँ से साइन थीटा को या कॉस थीटा को, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लस वाला बराबर के उस पार में जाएगा तो माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भाग में और भाग वाला गुना में बदलता है। ये फॉर्मेट आपका हर जगह लागू होता है। ठीक उसी प्रकार से आप इसको देखते हैं। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहे तो भी ये प्रूफ भी हो जाएगा। कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। कहते हैं साइन थीटा का मान अभी अभी पीछे हम लोगों ने लिखा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, तो पी बाय एच था। और कॉसेक थीटा बराबर क्या था, कॉसेक थीटा बराबर तो एच बाय पी। यही मान हम यहाँ अगर पुट करें तो साइन थीटा का वैल्यू पी बाय एच हो जाएगा इंटू, और कॉसेक थीटा का वैल्यू एच बाय पी हो जाएगा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ क्या होगा, पी और पी कट जाएगा, एच और एच कोना कोनी कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन। यहाँ पर ये वैल्यू होता है प्रूफ। इसी के साथ आगे देखते हैं, यहाँ से अगर ये इंटू में बराबर के इस पार जाएगा तो क्या में बदलेगा, तो डिवाइड में बदलेगा, डिवाइड में बदलेगा, क्योंकि इंटू वाला किसमें चेंज करता है, तो भाग में बदलता है। देखिए साइन थीटा अगर इस साइड रख दे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्या जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर कॉसेक थीटा को रख ले और कॉसेक थीटा को रख करके साइन थीटा को अगर उस साइड लेकर के जाया जाए तो वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आ जाएगा कॉसेक थीटा बराबर वन बाय साइन। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा फॉर्मूला आते हैं। ये आपका साइन और कॉस से, कॉसेक से रिलेशन इसलिए बनाए क्योंकि आपको पीछे में हमने बताया था कि ये जो है साइन इसके जस्ट अपोजिट होता है, और दूसरा है आपका कॉस और सेक का अपोजिट। देखते हैं उसमें बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, सेक और कॉस और सेक का कहता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है। क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है। देखते हैं, आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाय एच, और sec थीटा इज इक्वल टू होता है h by b। क्या होता है, h by b होता है। देखते हैं हम इसको पुट करते हैं, cos थीटा का वैल्यू है b by h, b by h, और sec थीटा का वैल्यू है h by b, तो ये इज इक्वल टू वन। कोना कोनी ये कटता है, इसको काट देंगे जो आ रहा वैल्यू, उसके बाद देखेंगे वन इज रहने का मतलब ये फॉर्मूला सही है। अब sec थीटा को उठा करके इस साइड लाएंगे, क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू वन बाय sec थीटा, ये एक फॉर्मूला बनता है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर cos थीटा को उठा करके इस साइड लाते हैं तो क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू वन बाय cos थीटा, क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू वन बाय cos थीटा होता है। तो ये तीन फॉर्मूला इससे एक फॉर्मूला से मिलता है हमको। ठीक उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पीछे में दो रिलेशन बनाया, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा और सेक थीटा का। अब बनाते हैं टेन और कॉट का, टेन और कॉट का, टेन और कॉट का। देखिए टेन थीटा इंटू इंटू cot theta is equal to 1, ये मेरा मान है। आपको पता है कि tan theta is equal to p by b होता है, और cot theta is equal to b by p होता है, ये मान आता है। अगर आप इसको रख करके प्रूफ करना चाहे तो वो भी करते हैं, p by b into b by p is equal to 1। यहाँ पर b और b कट गया, p और p कट गया, 1 is equal to 1 इसका मान आता है, यानी ये सत्य है, ये फॉर्मूला सही है। आगे बढ़ते हैं, एक को उठा करके हम साइड लाते हैं तो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय cot थीटा, क्या आएगा, 1 बाय cot थीटा। फिर आगे करते हैं हम लोग, tan थीटा का मान से ये निकला, अगर इस बार हम tan थीटा को उठा करके इस साइड लाते हैं तो cot थीटा का वैल्यू हमको दे देगा। देखिए तो cot थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा। ये तीन फॉर्मूला इधर से बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग,
इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या होगा, अब थोड़ा सा स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये एक फॉर्मूला है। अब इसको भी हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच और कॉस थीटा बराबर हो जाता है बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो ये साइन थीटा का मान यहाँ पुट करते हैं, पी बाय एच को पुट करेंगे, पी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बी बटा एच का स्क्वायर बराबर वन। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर इक्वल टू वन। आपको यहाँ पर करना क्या है, एलसीएम लेना है, एच स्क्वायर आ रहा है, एच स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है, तो एच स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ऊपर वाला सेम रह जाता है। सेम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ तो क्या आएगा मान, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रखा था, यानी कि ये क्या है मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, यानी पाइथागोरस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग एच स्क्वायर पुट कर सकते हैं, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये दोनों कट गया यानी कि वन इज इक्वल टू वन आ गया। इससे एक फॉर्मूला आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन से इसको प्रूव कर लिए। अब इसमें करते क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा को उठा करके इस साइड लेकर के जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मान आता है। अगर हम स्क्वायर को उठा करके इस साइड लाते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला ही है। इसके बाद अब आ जाते हैं कॉस को रख लेते हैं, साइन को उठा करके उस साइड लेके जाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू देता है। ठीक है चलिए देखते हैं, तो क्या है कॉस को रख लेते हैं हम इसी साइड और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आता है। इससे आपका कुल मिलाकर के ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, एक क्वेश्चन से पांच प्रकार के फॉर्मूला आपको निकल जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में आएंगे। इस बार हम लोग का फॉर्मूला इससे मैचिंग करने वाला थोड़ा अलग होने वाला है। क्या, अभी हम लोग ने साइन और कॉस का रिलेशन देखा, अब हम लोग देखेंगे टेन और सेक का रिलेशन। यानी कहने का मतलब एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये इसका फॉर्मूला है। एक इस फॉर्मूला को भी हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं क्या आता है इसका मान। ठीक है अब देखते हैं sec थीटा का वैल्यू क्या था, sec थीटा का वैल्यू था h by b और tan थीटा का वैल्यू क्या है, तो tan थीटा का वैल्यू है p by b। क्या है, p by b है। देखिएगा यहाँ पुट करते हैं हम इसी मान को, क्या हो रहा है h by b का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p by b का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, क्या होगा इज इक्वल टू वन। क्या आएगा मान देखिए तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। फिर से आप देखते हैं आगे बी बाय बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम में अगर बी स्क्वायर बराबर मान निकालना होता तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते हैं। तो इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, बस मान को रखना है। क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू वन, ये ऊपर नीचे कट जाएगा वन इज इक्वल टू वन। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये सही है। अब इसी फॉर्मूला से हम लोगों को चार फॉर्मूला और निकलेगा। क्या है सेक स्क्वायर थीटा को रख लो इसी साइड और टेन को उठा करके इस साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
और इससे एक फॉर्मूला और बन सकता है, sec theta is equal to root under 1 plus tan square theta, क्या आएगा 1 plus tan square theta। इस फॉर्मूला को बनाएं। अब देखते हैं इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला निकाला जा सकता है, देखते हैं क्या निकलेगा। ठीक है, इससे करते क्या है, tan square theta का मान निकालेंगे और 1 को उठा करके इस साइड ले आएंगे, यानी कि tan square theta is equal to sec square theta minus 1। tan theta बराबर क्या आ जाएगा, तो root under sec square theta minus 1। ये पांच फॉर्मूला एक फॉर्मूला से निकल सकता है। ये सारा का सारा जो है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग त्रिकोणमिति में यूज करते हैं, जो सारा का सारा। ठीक है, ठीक इसी के प्रकार से फिर नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इस बार हम लोग रिलेशन किससे किससे किए, sec और tan का रिलेशन दिखाया आपको, साइन और कॉस का रिलेशन दिखाया। अब जो है कॉस कॉट और कॉसेक का रिलेशन होगा, कॉसेक और कॉट का रिलेशन, यानी कहने का मतलब है cosec square theta minus cot square theta बराबर 1 होता है। इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, cosec theta का मान क्या है, cosec theta का मान क्या है, तो cosec theta का मान होता है h बटा p, क्या होता है h बटा p, और cot theta का वैल्यू क्या होता है, cot theta का वैल्यू क्या होता है, तो होता है b/p, क्या आ जाता है b/p आ जाता है। अब इस पे मान को रखेंगे हम लोग, मान रखेंगे तो क्या होगा, cosec square theta का यानी क्या है h/p का स्क्वायर माइनस cot theta का वैल्यू क्या है, तो b/p का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू इसमें हमने पुट किया। अब देखते हैं आगे कर सकते हैं क्या इसमें, तो h2/p2 माइनस b2/p2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, और जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, p²h²-b²1। यहाँ पर एलसीएम लिए और ये दोनों को कर दिया, ये लिखा गया, ये दोनों कर दिया, बी स्क्वायर लिखा गया। अब देखिए एच स्क्वायर, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, p² बराबर क्या होता है, h²-b² होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना होगा, डालना होगा। इसके जगह पर, ये दोनों के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, p² लिख सकते हैं, p²/p² इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, ये दोनों कट गया, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये एक फॉर्मूला आपका बनता है, इस फॉर्मूला से भी आप क्या कर सकते हैं, तो कुल मिला के 4 फॉर्मूला और बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो cosec² θ बराबर, इसको उठा करके हम उस साइड लेकर के जाएं तो क्या होगा, 1 प्लस cot²θ, cosec θ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस cot²θ। ये दो फॉर्मूला इससे बना। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो तीसरा फॉर्मूला बनता है आपका, इस फॉर्मूला से तीसरा फॉर्मूला निकलता है, इसको उठा के कर ले आते हैं, cot²θ बराबर 1, इसको क्या करते हैं, इसको उठा के लाए ना, तो cosec²θ-1 ये वैल्यू आता है, तो cot θ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर cosec²θ-1। ये 4 फॉर्मूला फिर हमें प्राप्त होता है। तो इतने प्रकार के फॉर्मूला का हम लोग क्या करते हैं, पूरे फॉर्मूला का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में वगैरह में हम लोग क्लास 10th लेवल तक हम सबको यूज करेंगे। ठीक, और भी एक चैप्टर है जिसको, जिसमें कुछ फॉर्मूला है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो साइन 90-θ बराबर हो जाता है cos θ, cos 90-θ बराबर हो जाता है sin θ, tan 90-θ बराबर हो जाता है आपका क्या, तो आ जाता है आपका कितना, तो cot θ बराबर क्या हो जाता है, तो आ जाता है आपका tan θ। फिर आगे क्या आता है, sec 90-θ बराबर क्या हो जाता है, cosec θ, cosec 90
90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो सेक थीटा। इतना सा फॉर्मूला जो है आपको क्लास 10th में यूज करना पड़ता है। ये सारा फॉर्मूला आप क्लास 10th में अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी एक चैप्टर आता है आपका, उसमें कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। उस फॉर्मूला में आपको करना क्या होता है, उस चैप्टर में आपको करना क्या होता है, तो चैप्टर में आपको कुछ मान याद रखने होते हैं। जैसे मैं आपका मान क्या चीज का, तो साइन 0 डिग्री का, साइन 40 डिग्री, 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का। तो हम लोग उसके लिए एक दूसरा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो उस टेबल में हम लोग देखेंगे कि कुल कितना टेबल बनेगा, देख लेते। चलिए टेबल तो मेरा तैयार होने को है। चलिए टेबल मेरा बन गया, अब इसमें देखते हैं इधर कितना लगेगा। चलिए जो होगा देखा जाएगा बाद में, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं, जैसे मैं थीटा यहाँ लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और थीटा, ये मान हमने रख लिया। अब क्या करते हैं यहाँ 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 छूट गया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। प्लस 10th तक के लिए हमको जरूरत पड़ता है। तो इसमें हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद नहीं है इसका मान, तो हम लोग आसानी से इसके मान को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, इसको मान, इसके मान को निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, 0/4 रूट में लिखना होगा। इसको 1/4 रूट में लिखिए, इसको 2/4 रूट में लिखेंगे, फिर 3/4 रूट में लिखेंगे और इसको 4/4 रूट में लिखेंगे। ये सबका मान अब हम लोगों से आसानी से निकलेगा। देखिए क्या निकलता है मान, तो साइन 0 का मान कैसे निकलेगा, तो 0 में किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है, तो साइन 0 का मान मेरा 0 आएगा। फिर 1/4 है तो रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर इसको जब हम काटेंगे तो 1/2 बचेगा और यहाँ पर कटेगा, 1/2 बचेगा तो 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/√2 आ गया। फिर इसको आप काटिएगा क्या, इस निकल जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, √3/2 आ जाएगा। फिर ये दोनों कटेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√1 का मान क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। अब जस्ट cos थीटा का sin थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, cos थीटा 1 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा √3/2। अच्छा इसमें क्या आएगा, तो 1/√2 आएगा, दोनों सेम ही रहेगा। अब वैल्यू क्या आना है, देखो तो 1/2 आना है, इधर वाला यहां लिखा जाएगा 0। अब tan थीटा का मान निकालते, तो tan थीटा का मान के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला आता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। शायद ये फॉर्मूला हम छोड़ दिए थे। एक और होता है cot थीटा बराबर, उसको भी याद रखेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। ये फॉर्मूला हमको याद रखना जरूरी है। तो tan थीटा का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है, देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, sin थीटा का वैल्यू किसमें है, हम इसमें है, तो दोनों 0 डिग्री का मान को रखेंगे, तो 0/1 आएगा। तो 0/1 क्या आना है, 0/1 0 आएगा, ठीक है। फिर दूसरे में आते हैं तो क्या वैल्यू रखेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 1/√3 बचेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, 1/√3 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार से क्या होगा, 1/√2 √2 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1।
आगे बढ़ते हैं, फिर इसी प्रकार से फिर हम अगला मान रखेंगे, कौन सा मान रखेंगे, तो देख लीजिए टेन साठ का वैल्यू, यानी कि साइन साठ और cos साठ को डिवाइड कर देंगे, साइन साठ का वैल्यू का मान कितना है, तो रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, वन अपॉन टू, टू टू कट जाएगा, बचेगा क्या, रूट थ्री बचेगा। फिर आगे क्या करेंगे, दूसरा मान को रखेंगे, क्या आएगा, वन बाय जीरो, क्या आएगा, वन बाय जीरो, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। आगे वैल्यू को रखते हैं, कॉट थीटा के मान को निकालते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वन बाय टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का वैल्यू को हम यहाँ पुट करते चले जाएंगे, तो कॉट टेन थीटा का वैल्यू को हम रखेंगे तो क्या होगा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना, वन बाय जीरो, वन बाय जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कहने का मतलब जस्ट इसका अपोजिट होना है सबको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, रूट थ्री, वन का वन लिखा जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री, और ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक थीटा का, सेक थीटा में हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा में कैसे निकालेंगे, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, तो वन बाय कॉस थीटा, वन बाय कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, होता है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा के मान को हम लोग पुट करना शुरू करेंगे, वन अपॉन वन क्या आएगा, वन आएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई इश्यू भी नहीं है, कोई खास इसमें है भी नहीं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है वन अपॉन कॉस थीटा का मान कितना है, तो रूट थ्री बाय टू, क्या है, रूट थ्री बाय टू, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो रूट थ्री टू बाय रूट थ्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू बाय रूट थ्री मान इसका देगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या आता है, टेन पैतालीस, सॉरी सिर्फ पैतालीस का मान, सिर्फ पैतालीस का मान में वन बाय कॉस पैतालीस का मान कितना देख लीजिए, तो वन अपॉन रूट टू है, तो इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, वन गुना रूट टू बटा वन, यानी कि वैल्यू क्या आ गया, रूट टू आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे अगला मान रखेंगे किसका, वन अपॉन साठ का मान रखेंगे, यहाँ पर क्या है, वन अपॉन वन अपॉन टू, तो इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू बाय वन, यानी कहने का मतलब दो आ गया इसका मान। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका मान क्या होगा, कॉस का वन अपॉन कॉस का वैल्यू कितना है, जीरो, तो वन अपॉन जीरो क्या होता है, इंफिनिटी, यहाँ क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। इसको अब बस अपोजिट कर दीजिए, इसका अपोजिट कीजिएगा तो ये इंफिनिटी का वैल्यू यहाँ इंफिनिटी, वहां टू यहाँ आ जाएगा, ये रूट टू का रूट टू लिखा जाएगा, ये आ जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, और ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ, और ये हो गया आपका पूरा टेबल कंप्लीट। आप इस शॉर्ट फॉर्म से, शॉर्ट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार के अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को याद रख सकते हैं और बना सकते हैं। खैर इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर की ओर, अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला को थोड़ा बहुत देखा है, जाना है, आप लोग कल मिलेगा, इसी के साथ हम लोग इसी का कुछ चैप्टर को देखेंगे और चैप्टर को समझेंगे और आगे इसी के साथ पढ़ाई करेंगे।